एक नुमाइंदा एक नुमाइंदे से गुजारिश कर रहा है, बेशक एक नुमाइंदा एक नुमाइंदे के साथ जो गुस्सा है क्या वास्ते कहते हो अवाम के वास्ते है। ठीक है, तो एक MLA है पूरे मैसूर का कंट्रोल ले रहा है, हमारी कांग्रेस है हमें वैसा नहीं करे, एक MLA पूरा मैसूर का कंट्रोल कर रहा है, काम भी ट्रांसफर है इंस्पेक्टर कर रहा है, हमें उनसे गुस्सा क्या है। वो अलादा है, आप जो है तुम्हें मिनिस्टर होगी जीतती चले उसके बाद मिनिस्टर हो गए उसके बाद फिर आपको कंट्रोल जो करके हमारी गुजारिश है आवाज का वास्ते जो है सरकारी इलाका है कौन सा भी कितने भी डिपार्टमेंट से पूरा कंट्रोल जो हमारी आवाम को काम भी तकलीफ नहीं होना, हर को भी मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन किसे भी तकलीफ नहीं होना, अगर तो हमें इनसे गुजारिश कर जो इलेक्शन था इंतखाबात थे उस वक्त जो है हमें देखने को मिला जहाँ कहीं भी कैंपेनिंग होती थी अली जनाब अलहाज तनवीर शेख साहब के साथ आप जो है कदम ब कदम मिलाकर चल रहे थे, इस मरतबा जो है कहीं देखने को नहीं मिला, इस मरतबा कैसा है आपका क्या? नहीं बेशक हमें तो इनके साथ ही देखिए ये सवाल का जवाब देना नहीं देना ये एक चीज और है, कहीं भी रिश्तों में दरार नहीं आई है। जनाब आफ्ताब बेग अपनी बेटी की शादी के बाद उनको है ना किडनी में कंकर हो जाने की वजह से एक माइनर आहत सर्जरी भी हुई और वो तकलीफ से है ना बाहर है ना आए हैं, और गर्मी होने की वजह से माह रमजान का महीना भी था, रमजान के महीने में हमारी कैंपेनिंग भी नहीं करे, हमें जिससे मिलना था मिलने का वो उनकी जिम्मेदारी करे हमें हमारी जिम्मेदारी करे, तो कौन किसके साथ है करेगा नहीं है, हमारा साथ जो दिख रहा है उन्हें भी दे रही, जो नहीं दिख रही उन्हें भी दे रही, तो इसमें अल्लाह के ऊपर भरोसा है ये काम चल रहा है। सर कल JDS के स्टेट मेना के प्रेसिडेंट हमशल्ला कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं सर जी, क्या ये बेजार की थी JDS से या कांग्रेस की मकबूल है? उनकी 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 दिल्ली दिल्ली दिल की बात मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आज माहौल बदलता जा रहा है और खासतौर से है ना मौजूदा जो हुकूमत है इन्होंने जिस तरीके से फैसले लिए हैं ये मजबूर कर रहा है कि है ना मुसलमान इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ है ना इसका मुजाहरा पेश करे, और रियासत भर में ये फिक्र चल रही है, दुआएं हो रही है, और जुम्मा के खुतबे में भी है ना इस बात के ऊपर जोर डाला जा रहा है कि इत्तेहाद और इत्तेफाक से आप है ना इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए है ना सोच समझ कर वोट डालें, तो इस वजह से ना हसनैन पहले ना हमारी पार्टी में जब हुए हैं उनको मैं दिली मुबारक देता हूं और इस्तकबाल करता हूं। सर जिस तरह रियासत कर्नाटक में इंतखाबात को लेकर बीजेपी अपनी खामियां अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वजीर आजम यहां पर आके प्रचार करते हैं तो इसका क्या मतलब है? देखिए ये पार्टी आइडियोलॉजी के ऊपर जाता है, मरकजी होम मिनिस्टर अमित शाह तुम्हारे यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद है ना यहाँ जो आ रहे हैं इनको लगता है कि है ना इनके वो हिंदुत्व के एजेंडा को सामने रखकर है ना बीजेपी फिर से सीट जीत सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है, और वो किसको बुला कर ला रहे हैं क्या कर रहे हैं ये हमारे ऊपर नहीं है, लेकिन कल टुमकुर डिस्ट्रिक्ट में हमारे साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर परमेश्वर के ऊपर कैनन सिंह के ऊपर जो खतरा हुआ उसमें उनको चोट भी पहुंची है, तो सियासत इस हद तक गिर सकती है ये किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था, आज जो है खिदमत के मंसूबे को आम करना ये हमारे लिए फिर एक बार आवाम के हाथ में है कहना कैसे नुमाइंदों को जिताना है। ये इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन प्राइम मिनिस्टर को ये कहा पैसा जो गवर्नमेंट से इस्तेमाल वो कौन से आरटीओ में पूछना पड़ता है, हमें ना वो ये नहीं कर सकते। सर एक और बात यहाँ पर ये आ रही है, पहले दिनों जो है हमने देखे थे कि कोई भी बात मंजर आम को नहीं आती थी जो खिलाफ बोलने का, इस मरतबा बीजेपी के वजीर जो है यतनाल इनका नाम है उन्होंने बाकायदा अवाम के दरमियान ये कहते हैं कि मुसलमानों की हुकूमत अगर होती है कांग्रेस और JDS को वोट डालते हैं
तो मुसलमानों की हुकूमत आ जाएगी, बीजेपी को वोट डालने से हिंदुत्व की वोट आएगी, खुले आम बोलते हैं। इसे क्या देखिए, इसलिए कानूनी एतबार से जो अमेंडमेंट लाए हैं, स्पेशली एनी स्टेटमेंट विच इज ब्रिंग्स हेट अमंग कम्युनिटीज, मजलूमों के बीच में है ना दरार पैदा करने की किसी भी तरीके की बात के ऊपर है ना सो मोटो केस डालने का है ना फैसला लिया गया है। शिमोगा में ईश्वरप्पा जो अपनी नाराजगी बीजेपी से जाहिर किए, उनके बेटे को सीट मिलना था वो भी नहीं मिली, बावजूद उसके वो है ना उनके गलतियों को छुपाने के लिए बीजेपी में है, मुसलमानों का वो वोट की जरूरत नहीं है करके बोल दी। तो इस तरीके के बयानबाजी जो चल रही है ये सिर्फ दो पार्टियों में हमें देखने को मिल रहा है, एक तरफ बीजेपी से तरीके की बातें आ रही है, दूसरी तरफ कौम की नुमाइंदगी करने की ये दोनों के आपस के है ना जो बयानबाजी है इससे है ना कौमों में मिलत और ना तमाम कौमों को तकलीफ लाने का काम होगा, ये सीधी सीधी बात है। तो इसे है ना जब तक हम नहीं समझेंगे ये मुश्किल का काम है। सर बीजेपी एक और एक पार्टी कौन थी? तो मैं खुला बोल रहा हूँ। देखिए आवाम को मालूम है, वो है ना समझदार है, वो समझेंगे। सर आप अपने जो सियासी माहौल चल रहा है, एक तरफ कांग्रेस लहर की बात हो रही है तो दूसरी तरफ जो आला हायदीन आ रहे हैं, क्या उससे कांग्रेस को कुछ असर हो सकता है? देखिए जिसका असर जो होगा नहीं होगा ये और बात है, आने वाले आते रहेंगे, बयान देने वाले बयान देते रहेंगे। आवाम आज पूरे तौर से है ना अपना फैसला कर चुकी है, उनको इंतजार 10 तारीख का है और हमारी ये कोशिश है कि आप क्या है कि ना भारी तादाद में है ना आप अपना वोट का इस्तेमाल करें, वोट को जाया होने ना दे, ये हमारी अपील हर हमेशा चल रही है। और वोट किसको डालें क्या डालें वो समझदार है, वो बाकायदा अपना है ना फैसला लेंगे, लेकिन वोट जाया ना करें ये हमारी अपील हर जगह है। सर आप अपने बयान में जो है दीन इस्लाम को लेकर आपने भी आवाज उठाई है, ये बात कही है। सर आपके एनआर हलके में एक मस्जिद का मसला, कैतरली का मस्जिद का मसला अभी तक वो हल नहीं हो पाया है, आपकी आपके आप नुमाइंदे ही इस एनआर हलके के, क्या आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस बस्तर इस्तेदार पर आती है कर्नाटक में और आप जो है यहाँ के एमएलए होते हैं, क्या वो मस्जिद में आजाद होगी? क्योंकि वो मस्जिद जो है पुकार कर कह रही है। देखिए आपको पहले सबसे पहले ये जानना चाहिए कि है ना वो मस्जिद नहीं है, मदरसा है। वो मदरसा है, हलीमा सादिया ट्रस्ट के नाम से है ना मदरसा बना है, उसे है ना तामीर होता है जो गलाटा हुआ था उसे प्लान दिखाकर असेंबली में बात कर बाकायदा उसको परमिशन के साथ मौका दिया गया था, लेकिन वहाँ जो राजू नामी शख्स था उसके है ना पिटिशन के ऊपर है ना तकरार होते थे, 2009 में उसी जगह को लेकर फसाद हुआ था, तो उसके बाद हमने ना जिस कोशिश से है ना उसे फिर खोला भी था, 5 वक्त की नमाज भी होती थी और बाकायदा हर चीज सही चलती थी, लेकिन चंद चीजें जो थी हमारे कहने के बावजूद ऊपर का काम शुरू कर दिए, बैतुल खुला बनाना था बैतुल खुला का काम नहीं किए, ये सब चीजों को लेकर है ना बहुत सारी बातें आई, और जिस वक्त कर्फ्यू लगा तो उसकी चाबी ले ली गई थी, वहां से लेकर यहाँ तक हमारी एक कोशिश है। अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट का भी फैसला आ चुका है और ये हमारे हक में आया है, अभी इलेक्शन डिक्लेयर होने के 2-4 दिन पहले आया, तो इस चीज को है ना इलेक्शन के बाद है ना कार्रवाई करके उस मुकाम को है ना फिर एक बार आबाद करने का काम करेंगे।